नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं निधि तिवारी और स्वागत है आपका मेरे चैनल उड़ान जिंदगी की में। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है और आइसक्रीम तो हम सबकी फेवरेट होती है, बच्चे हो बड़े हो तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हम इसको बनाएंगे सिर्फ दो चीज़ों के साथ में, तो बहुत ही आसानी से बनने वाला है मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। क्योंकि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और अपने फीडबैक भी जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है 2 बड़े चम्मच चीनी, फ्रेश क्रीम और 1 पका हुआ आम। आम के छिलके हटाकर उसके पल्प निकाल लेंगे। फिर हम लेंगे मिक्सर जार और उसमें चीनी और मैंगो डाल देंगे। फिर हम उसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो मैंने घर की मलाई का यूज़ किया है, ताज़ी मलाई का। आप चाहे तो मार्केट का फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच मलाई डाली है। हम इसको वापस से ग्राइंड करेंगे और दोबारा ग्राइंड करने के बाद में हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। तो हमने इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है और अब हम इसको फ्रिजअप करेंगे लगभग 5 घंटे के लिए। पाँच घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम जम गई है हमारी, और बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चम्मच की हेल्प से हम इसे निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। अब हम इसके कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जिससे आइसक्रीम खाने में तो टेस्टी होगी ही, दिखने में बहुत अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम बनके रेडी हुई है। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।